मैं आदित्य गौरव पायलट फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैथमेटिकल टूल्स पे लेक्चर सेकंड जो होगा हमारा वो होगा डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था लिमिट कैसे यूज करते हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है बेसिकली। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अपने डिफरेंशिएशन वाले मोड पे। डिफरेंशिएशन को लेकर सबसे पहले हमने क्या देखा था कि अगर हम लोग किसी स्लोप के फंक्शन यानी कि जिसे हम dy / dx के रूप में यूज करते हैं उसका अगर हम लोग लिमिट यूज करें तो वो हमारा एक डेरिवेटिव मोड देता है जिसे हम साधारण भाषा में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसे कैसे लिखते हैं dy / dx, पढ़ते कैसे हैं इसे डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y और fx, यानी y के जगह पे हम लोग fx लिख सकते हैं। fx मतलब फंक्शन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन के लिए हमारा ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा d by dx। यहां पे एक चीज देखेंगे कि y जो होगा हमारा ये जो y होगा और जिसे हम fx भी बोलेंगे मींस होगा कि y मस्ट डिपेंड ऑन x, यानी y एक फंक्शन होगा जो x पे डिपेंड करेगा तभी उसे हम फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। जैसे एक कर्व हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक कर्व है हमारे पास, ये कर्व रहा ये लाइन, ये कर्व है अपने पास जो क्या है कर्व fx के रूप में काम कर रहा है, फंक्शन ऑफ x के रूप में काम कर रहा है हमारा। तो अगर हम कोई पॉइंट चुन लें, कोई इंस्टेंट के लिए किसी एक पॉइंट को चुन ले, ये पॉइंट रहा हमारा p, तो p पॉइंट पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसके चेंज के बारे में बात करें तो ये जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड dx एंड दिस चेंज इज कॉल्ड dy। वैसे ये चेंज बहुत छोटा होगा, हमने पिछले वीडियो में इसे डिस्कस किया था, बट हम इसे चेंज के रूप में समझने के लिए इसे थोड़ा ठीक रख रहे हैं, थोड़ा बड़ा थोड़ा लेंथी बना रहे हैं, लेंथ सॉरी विड्थ ले रहे हैं इस चीज में। तो दैट इज dx, ये इतना ये dx होगा और ये dy होगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा, स्लोप एट पॉइंट पी इज इस पॉइंट पे कितना होगा स्लोप dy / dx। ऐसे अगर ये जो कर्व है हमारा ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एक्चुअली होना चाहिए, तो वो कर्व किसी भी पोजीशन पे निकालेगा, कर्व के किसी भी पोजीशन पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो dy / dx के फॉर्मेट में ही होगा। उसी बात में हम लोग फिर रेगुलर सीरीज में अब चलेंगे तो डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। फिलहाल हम सीखने वाले हैं हम लोग की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, उन फॉर्मूलाज के हेल्प से हम किसी भी चीज का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, जैसे dy dx दैट इज डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना है तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन किसका करना है, x पे पावर n का। ध्यान रहे यहां पे x है मींस x पे डिपेंड करना है, x पे डिपेंडेबल फंक्शन है, x के बदलने के साथ हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहां भी x है यानी इस वैल्यू को हम फोकस करेंगे कि x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। तो x से पावर n का फॉर्मूला क्या है, तो जो पावर में होगा उसे हम पहले लिखेंगे n, देन x जो हमारा फंक्शन है और पावर में से एक माइनस करेंगे, 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज n माइनस 1, दैट इज x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x n माइनस 1। इसे याद रखना है, मेमोराइज रखना है हम लोगों को, और इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं आसान से। जैसे dy dx अगर x पे पावर 4 हो तो क्या करना होगा, तो पावर क्या है हमारा 4 यानी n की जगह पे क्या है 4। तो यहां पे फॉर्मूला का पैटर्न क्या होगा हमारा कि n पहले आएगा, दैट इज पहले कौन आएगा 4, फिर फंक्शन यानी x का फंक्शन x ही आएगा तो x का फंक्शन x के रूप में लिखेंगे और फिर करेंगे n माइनस 1 यानी कि जो प्रीवियस पावर था उसमें से 1 को घटा देंगे यानी कि 4 माइनस 1 क्या मिला हम लोग को 4x के पावर 3। आसानी से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज को, अगर x पे पावर 4 हो तो 4 को पहले लिखेंगे x लिखेंगे
और 4 में से 1 को घटा करके लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड 3। पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें तो d / dx 1 / x स्क्वायर ले लेते हैं, ये एक पार्ट है हमारा। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो तो उसे हम सिंपलीफाई कर लेंगे सबसे पहले, जहां पे x को हम लोग डिनोमिनेटर में ना रखते हुए नोमिनेटर में शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि x को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, पावर 2 है, 2 जब नोमिनेटर में शिफ्ट करेगा तो माइनस 2 हो जाएगा पावर। तो क्या करना है हमें, जो पावर है n, यानी पहले लिखना है n के पोजीशन का कौन है, माइनस 2, तो माइनस 2 लिखेंगे पहले x और फिर n माइनस 1, यानी कि n के जगह पे क्या है, माइनस 2, क्या लिखेंगे, माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, दैट x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। या तो ये लिख सकते हैं या तो इसे सिंप्लीफाई करके माइनस 2, x पे पावर माइनस 3 है इसलिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके x पे पावर 3 भी हम लिख सकते हैं, काफी आसानी से कर सकते हैं इस तीन चीजों का डिफरेंशिएशन। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हम सेकेंड सेगमेंट के बारे में बात करें तो d / dx किसका, कांस्टेंट फंक्शन का, वो कितना होता है, 0। क्यों 0 होता है कांस्टेंट का, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट कब होगा, कांस्टेंट तब होगा जब वो वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जब x पे डिपेंडेंसी ही नहीं आएगी तो x के टर्म में उसे हम लोग डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। सो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होना है, 0। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स का हम लोग बात करें तो जैसे कि d / dx 5, 5 एक कांस्टेंट है, 5 एक नंबर है जिसे x से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसका आंसर कितना आएगा, 0। फिर एक फिर सेकंड एग्जांपल d / dx, जैसे हम लिखते हैं इसमें 5 ले लेते हैं। अब मान के चलिए कि a x पे डिपेंड नहीं करता है, तो a क्या है, एक कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तो वेरिएबल x के सीरीज में जाना चाहिए, बट अगर a x पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका एक डिफरेंशिएशन भी कहां हो जाएगा, 0। तो सिंपल सा है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन यानी उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला, जैसे कि डिफरेंशिएशन, दैट इज d / dx को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब बस ध्यान ये रहे कि यहाँ x का फंक्शन है तो नीचे भी x ही हो, तो आंसर भी x के टर्म में ही आना चाहिए। अगर ये टाइम का फंक्शन होगा तो यहाँ भी टाइम आएगा और यहाँ भी टाइम आना चाहिए। तो d / dx sin x, कितना, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इनटू tan x, cos x का माइनस cos x इनटू tan x। जो जो वर्ड c है जैसे cos x, cot एंड cos, उसके आगे माइनस साइन लग जाता है, बाकी वैल्यूज को हमें याद करना है। d / dx एक लॉगरिथमिक टर्म का अगर एग्जांपल ले तो log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 / x, log के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे कभी। d / dx dx x e to the power x, e to the power x को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल x, e x p x, एक्सपोनेंशियल x, और e क्या है, e है एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल, e क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, जिसका वैल्यू लगभग 2.71 के अप्रोक्स आता है। 2.71 हमें खास बहुत पड़ेगी नहीं इस वैल्यू की, बट स्टिल वी कैन यूज इट। तो नंबर वाइज फॉर्मूला लिखा है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स थे बिल्कुल सिंपल से जो हमने यहाँ पे किया वो करना है। अब कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के टाइप पर कुछ एग्जांपल्स और करते हैं हम लोग।
सिंपल सा कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऐसे कुछ और फॉर्मूला होता है जो इसके एल्जेब्रिक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। इसमें पहला क्या है, कुछ डिफरेंशिएशन का जो एल्जेब्रिक सेगमेंट है उसके अंदर भी कुछ फॉर्मूला है हमारे, जैसे डी वाई डी एक्स। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है यू प्लस वी, यानी कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, यू एक अलग फंक्शन है, वी एक अलग फंक्शन है। अगर दोनों इस फॉर्मेट में है तो क्या करेंगे, यू को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, वी को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज सबसे पहले यू को डिफरेंशिएशन के अंदर अलग से लेंगे प्लस वी को डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, और अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो यहाँ भी साइन क्या होता, माइनस होता, यानी प्लस माइनस के लिए सिंपल सा रूल चलता है। जैसे एग्जांपल का अगर हम बात करें, जैसे डी बाई डी एक्स, तो हम जैसे लिखते हैं कि एक्स पे पावर फोर प्लस साइन एक्स माइनस फाइव, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले पार्ट को हम लोग डिटेल में लिखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स पहला पार्ट क्या है, x के पावर 4, सेकेंड क्या है हमारे पास साइन x, एंड फिर क्या है माइनस साइन, d बाई डी एक्स किसके साथ लाएंगे, d बाई डी एक्स या 5। इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग फर्स्ट टाइम लिखते हैं, उस बार हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसे। x के पावर 4 क्या होगा, तो ये रहा पार्ट, किसी भी चीज का पावर n होगा, n पहले लिखते हैं, n में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने किया था x की पावर 4, 4 पहले लिखा था, 4 माइनस 1, यानी 4 x 4 माइनस 1 प्लस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन हमने क्या सीखा है, cos x, तो cos x एंड 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है, चूंकि ये x पे डिपेंड नहीं करता है, x के वैल्यू को अगर हम 1 चूज करेंगे तो भी 5 5 ही है, x का वैल्यू 3 चुनेंगे तो भी 5 5 ही है, यानी कि 5 पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, यानी कि माइनस 0, यानी फाइनली हमें क्या मिला, x पे पावर 3 प्लस cos x, दैट्स इट। ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है अपने पास। सेकेंड जो है हमारा, वो उसके प्रोडक्ट रूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज व्हाट डी बाई डी एक्स, लेट्स से कि यू इनटू वी के फॉर्मेट में, यू प्रोडक्ट वी की, तो कैसे इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका पैटर्न होगा यू को एक फंक्शन मानते हुए, लेट्स से फर्स्ट फंक्शन मानते हुए इसे हम बाहर शो करेंगे, जो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा उसे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स वी प्लस, फिर जो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा जो कि वी है उसे हम बाहर ले लेंगे वी, और जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है यू उसे हम डिफरेंशिएट करने के अंदर ले आएंगे यू, यानी कि पहले बार एक फंक्शन बाहर जाएगा, एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा जो पहले वाले के अलावे जो बचेगा, फिर जो पहली बार में डिफरेंशिएट हुआ है वो इस बार बाहर जाएगा, और जो पहली बार में डिफरेंशिएट नहीं हुआ था वो इस बार डिफरेंशिएट होगा। कहने का मतलब कि जो डिफरेंशिएशन के साथ होगा, डी बाई डी एक्स के साथ होगा, लेट्स से ऐसे लिखते हैं, तो वो डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, फिर यहाँ पे वी को डिफरेंशिएट करना है, यू को डिफरेंशिएट नहीं करना है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हम जैसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर लेट्स से साइन एक्स, अगेन कैसे काम है कि एक फंक्शन को हम बाहर रखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर, यहां से हम रख लेते हैं इसे, एक पहले फंक्शन को बाहर रखेंगे एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट के अंदर कौन सा आएगा डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन कौन सा आएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया हमने। उसके बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, जो यहाँ पर रफ किया है, प्लस साइन एक्स इस बार सेकेंड फंक्शन है, बाहर लिखना होगा बी के पोजीशन पे, और डी बाई डी एक्स यू, यानी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के अंदर लाना है,
फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास सीरीज, ये है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, कॉस एक्स प्लस ये रहा साइन एक्स, तो साइन एक्स तो बाहर है, डिफरेंशिएशन इसे नहीं करना है हमें, तो डिफरेंशिएशन किसे करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, टू को पहले लिखेंगे दैट इज टू, फिर x एंड 2 माइनस 1 जो हमने सीखा था x के पावर n के फॉर्मेट से, तो कितना आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर cos x प्लस अल्जेब्रिक टर्म होने की वजह से इसे पहले लिखना बेहतर है, तो 2x x 2 माइनस 1 1 एंड sin x, क्वाइट सिंपल, यही होगा हमारा इसका पैटर्न। देन वी हैव एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, we have product root and last we have the division root or differentiation। अब जो होगा हमारा product root होगा that is third one, d first one is this प्लस एंड माइनस इज प्रोडक्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स यू बाई बी, ये हुआ हमारा डिवीजन के फॉर्मेट में। इसके लिए जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है डेरिवेटिव का वो होगा जो नीचे जो जो टर्म हमारा डिनोमिनेटर में होगा हर में होगा उसे हम स्क्वायर करेंगे, जैसे कि बी नीचे है तो बी को स्क्वायर में लिखेंगे, फिर देन चूंकि बी हमारा डिनोमिनेटर में है इसलिए बी को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे b, ऊपर का फंक्शन कौन सा है हमारा u, तो हम लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, मीन्स हमें b को डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें अपर टर्म यानी कि u को डिफरेंशिएट करना है, फिर सिंबल आएगा हमारा माइनस, फिर u को हम बाहर निकालेंगे और फिर डिफरेंशिएट करना है हमें b को यानी कि डी बी बाई डी एक्स, सिंपल सा, जो डिनोमिनेटर में होगा उसे स्क्वायर करके लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसे फर्स्ट पार्ट में लिख ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट होगा उसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस यू, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा प्रोडक्ट के साथ बाहर निकलेगा एंड देन डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा डेरिवेटिव मोड पे लिखा जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे कि डी बाई डी एक्स, लेट्स से हम लिखते हैं नीचे x स्क्वायर एंड देन ऊपर वी आर यूजिंग log x, log x x log x, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव फंक्शन, नीचे है हमारा x तो क्या करना है हमें, जो डिनोमिनेटर में है उसे करना है हमें स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम x स्क्वायर, x स्क्वायर, फिर जो भी होगा यानी कि नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसे सबसे पहली बार ऊपर लिखना है, यानी कि ऊपर क्या होगा हमारा x, और ऊपर में क्या लिखेंगे हम d by dx log x माइनस log, इसमें क्या करना है हमें माइनस का माइनस लिखा हमने पहले, ऊपर वाला जो टर्म होगा हमारा ऊपर वो बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं लाना है उसे हमें, तो log x हमारा रहेगा बाहर, log x इनटू डिफरेंशिएशन किसका यूज करना है d by dx, d का d नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर वाला टर्म, तो x हो गया हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म इज इक्वल टू क्या कहा हमें x स्क्वायर, x स्क्वायर x का x को एक चूंकि डिफरेंशिएशन के बाहर है इस वजह से x को डिफरेंशिएट नहीं करना है हमें, हमें डिफरेंशिएट करना है log x का, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें log x का डिफरेंशिएशन लिखा था हमने 1 by x, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट माइनस, ये रहा हमारा log x, log x चूंकि डिफरेंशिएशन के बाहर है इसे इसे सिंपल सा रिलीज करेंगे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे है सिंपल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x के पावर चूंकि 1 होता है तो 1 पहले आएगा और देन x, then 1 minus 1, 1 minus 1 कितना हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ पे पावर 0 कितना होता है 1, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होना है सिंपल सा 1,
तो हमारे पास आंसर क्या है, दैट इज x से x हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 माइनस ये तो 1 हो जाना है हमारा, तो 1 माइनस log x by x स्क्वायर, ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन, log x by x का डिफरेंशिएशन। हाँ एक ऐसे नोट का हम बात करते हैं, तो जो हम जो फंक्शन होगा तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, fx और y भी लिख सकते हैं हम लोग, तो जब हम fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो d by dx और y लिखते हैं और dfx by dx लिखते हैं। इसका एक अनदर नेम हो सकता है, जब d by dx ना लिखे हम लोग f प्राइम x भी लिख सकते हैं, f प्राइम x एक बार प्राइम बना है मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, और f ओवरहेड डॉट x एक बार डॉट हुआ है यानी एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर हम दो प्राइम लेते या दो डॉट ले ओवरहेड डॉट, तो इसका मतलब होगा दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है हम लोगों को। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है लिखने के लिए, पहले काफी कम यूज होता है हम लोगों करना, हमें ये ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले फॉर्मूला या इसके पहले डिफरेंशिएशन क्यों करना है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा और उसे समझना भी अच्छे से, फिर सारा फॉर्मूला जो इसके अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं उन्हें याद करना है, और जो हमारा उसका एल्जेब्रिक टर्म होता है उसको यूज करने के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद वन एग्जांपल्स, इसे हम लोग ने प्रैक्टिस करना है तभी हम बेहतर तरीके से इसे सीख पाएंगे यूज करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।